हेलो दोस्तों, कैसे हैं? 12th स्टैंडर्ड के अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, यू नो, लगभग सारे बोर्ड्स के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सारे बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। और जो बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड के, काफ़ी ज़्यादा टेंस होंगे, नर्वस होंगे कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके कारण ना वो बच्चे काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, खाना ना खाना, पानी नहीं पीना, रात को सोना नहीं, हमेशा चिड़चिड़ करते रहना। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है। एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई ना, हम 12th के एग्जाम्स को ज़रूरत से ज़्यादा उसको हम वेटेज देने लगे हैं उसको। हमने ये मान के चला है कि 12th के एग्ज़ाम्स में अगर हमने अच्छा नहीं किया तो हम ख़त्म है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और काफ़ी अच्छा लाइफ में कर रहा हूँ यार। मेरे 12th में 62% थे, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। 12th के परसेंटेज मेरे हिसाब से लाइफ में आपके उतने मैटर नहीं करते आप, और अगर करते भी तो यस, आपके मन में अगर इच्छा है कि अच्छा करना है तो डेफिनेटली कीजिए। हालांकि मेरे मन में भी इच्छा थी पर मैंने टेंशन नहीं लिया था, इसलिए शायद 62% के आसपास सेटल करना पड़ा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप पढ़िए पढ़िए, पढ़ना बुरा नहीं है, बट उस चीज को यार अपन दिमाग में टेंशन लेके पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला हेल्थ के साथ। और एक चीज याद रखिए, 12th के अपने को 12th तक ही जीना है क्या? मतलब मैं देखता हूँ और उल्टा मेरा दिमाग एकदम फट जाता है जब मैं देखता हूँ कि 12th में अच्छे रिजल्ट ना ला पाया तो सुसाइड कर लिया, 12th के एग्जाम का टेंशन लेके सुसाइड कर लिया। यार मुझे बताइए क्या लाइफ 12th तक ही है? अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि टर्निंग अ पेज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यार तो 12th के लिए अपीयर कीजिए, बट डोंट वरी। हाँ, पासिंग का टेंशन लेना जरूरी है, आप ये सोचे कि पास भी नहीं होना है तो नहीं, लेकिन और वो भी उसका भी टेंशन मत दीजिए, टेंशन लेने से क्या मिलने वाला है। तो एक ही चीज याद रखिए, सिर्फ शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़िए और एक ही चीज सोचिए कि यार जो मैं पढ़ने वाला हूँ ना एग्जाम में वही आने वाला है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं ना कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई के ऊपर विश्वास नहीं रखते, फेथ नहीं रखते। उनको लगता है कि यार एग्जाम में वही आने वाला है जो मैं नहीं पढ़ूंगा, जो मैं छोड़ के जाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। या फिर कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ तो बाहर का आएगा। हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा अपने विचारों में हम लोग थोड़ा सा एक बदलाव लाएं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों ना हम ऐसा सोचना शुरू करें कि यार एग्जाम में वही आएगा जो मैंने पढ़ा है, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा, मेरे टीचर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ पढ़ा के दिया है। देखिए सच्चाई जो भी हो, पर मैं मानता हूँ कि ना अपना दिमाग बड़ा पावरफुल है, अब हम जो भी चाहें वो हम अपने दिमाग से हासिल कर सकते। तो अगर आपने दिमाग में ऐसा सोचा ना कि नहीं आने वाला, मैंने जो पढ़ा है मैं फेल हो जाऊंगा, ये वो मेरे से अच्छा। और एक और गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार हमारा दोस्त इतना पढ़ रहा है, हम कम पढ़ रहे हैं। यार दोस्त की लाइफ है, वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, तुम अपने आप में यूनिक हो। अंगूर अगर चाहे कि उसका संतरे जैसा टेस्ट हो जाए तो कभी नहीं होगा, अंगूर अंगूर है, अंगूर अपने आप में यूनिक है। तो आप जरा भी मत सोचिए कि आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है, आप याद रखिए आप अपने आप में यूनिक है, आपके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके पढ़ने का तरीका अलग है। शायद हो सकता है उसका ग्रास्पिंग पावर कम हो इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस और ग्रास्पिंग पावर दोनों ही ज्यादा है इसलिए आप थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। तो मत सोचिए आपका पढ़ाई करना, और मैं स्पेशली पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ना 12th में एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालिए कि यार तुमको IIT क्रैक करना है, तुमको ये क्रैक करना है, तुमको वो क्रैक करना है। याद रखिए आप उसको समझाइए, ट्राई टू बी अ फ्रेंड, आप उसके दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उल्टा आप ही अपने बच्चे के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो कभी ऐसा मत कीजिए, उसको बताइए कि IIT करके वो क्या कर सकता है। अगर आपके बच्चे का इंटेंशन है कंपनी सेक्रेटरी बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो आप उसको ये बताइए कि CA बन के उसको लाइफ में क्या मिलेगा, CS बन के उसको लाइफ में क्या मिलेगा, और आप देखिए वो अपने दिमाग में खुद ही इतना इंटेलिजेंस डेवलप करेगा कि वो समझ जाएगा कि उसको क्या करना है और कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो दोस्तों बच्चों एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, प्लीज़ एकदम सिंपल रहिए, ठंडा दिमाग रखिए, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चिड़चिड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए कि वो आपके साथ है, आपका कभी बिगाड़ेगा नहीं, बस आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ है, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पढ़ाई कीजिए, मैं बोलता हूँ कि सब पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन लोड लेकर पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है। और रिजल्ट खराब आया ज़्यादा ज़्यादा क्या होगे, फेल होगे, फिर से एक साल पढ़ लेंगे, दिक्कत क्या है यार मुझे बताओ ना। 12th में वो जितने भी टॉपर्स हैं, वो स्टीव जॉब्स वगैरह, वो लोग तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं यार, उन्होंने ऐसा है क्या लाइफ में फेल हो गए? उन्होंने भी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया यार। तो किसी अच्छे अच्छे जो जैक मा जैसे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग ऐसे लोग हैं जो रिजेक्ट हुए लाइफ में और बहुत आगे गए हैं यार।
तो ये 12th की क्लास से मेरा फ्यूचर थोड़ा डिसाइड हो पाएगा, मैं 62% लेके आया था 12th क्लास में, तो प्लीज 12th को उतना सीरियसली मत लीजिए, डिपेंड करेगा कि 12th के बाद आप लाइफ में क्या करते हैं। तो एकदम ठंडे रहिए, बढ़िया खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, मम्मी पापा का रोज आशीर्वाद लीजिए, भगवान की रोज पूजा कीजिए, और यस जितने भी घंटे पढ़ते हैं बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और ये वीडियो अपने बाकी के 12th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उन्हें भी शायद कुछ अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।